नमस्कार प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चाय पर समीक्षा कार्यक्रम है और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि छुट्टियों का मौसम है और हम सब अपने अपने घर से ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, लेकिन इस सप्ताह पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, पटाखों की शोर थी, लेकिन एक विषय की चर्चा जितनी होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं हुई। भाजपा की ओर से उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद त्योहार में लोग इतने मगन थे कि उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से सब किया कि हाँ हमने कुछ ऐसे वायदे किए हैं जो पूरा नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा अध्यक्ष से लेकर अमित शाह और तमाम नेताओं ने जिस तरीके से ट्वीट किया और कांग्रेस फेक प्रॉमिस एक टैग दिया गया कि कांग्रेस वो वादे करती है जो पूरा नहीं कर सकती है, फिर भी वैसे वादे करती रहती है। महाराष्ट्र में भी कर रही है, झारखंड में भी कर रही है, हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री ने तो लंबा चौड़ा एक पोस्ट भी लिख दिया था जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने पलटवार किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 4-5 वर्षों के भाषणों को देखेंगे तो वो हमेशा से ये मुफ्त की रेवड़ी की संस्कृति के खिलाफ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये मानना रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को यदि सुदृढ़ बनाना है और हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है तो हमको ये मुफ्त की रेवड़ी से जो संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, इससे बाहर निकलना होगा। और लगातार प्रधानमंत्री पर बात करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर ये आक्षेप लगाया जाता रहा कि भैया आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न दे रहे हैं तो क्या वो मुफ्त रेवड़ी नहीं है? तो मुफ्त रेवड़ियों की कह सकते हैं कि सभी दलों के लिए अपनी अपनी अलग परिभाषा थी, लेकिन इसका जो सर्वाधिक नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा था, तमाम राज्य सरकारें जिन्होंने मुफ्त की सौगातें देने के वादे तो कर दिए, जनता ने उनको वोट भी दे दिया, सत्ता भी मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आई कि वो करे कैसे, क्योंकि खजाना खाली था। अब जैसा कि कर्नाटक सरकार की जो इस समय हालत है, कर्नाटक की इकोनॉमी की जो हालत है उसको देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान माना जा रहा है अहम। और हमने खुद देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि कर्नाटक सरकार ने जो वादे किए थे, जो अपने घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान, उनको पूरा कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा था। लोगों ने हमें बताया था कि जो मुफ्त बस यात्रा की बात हुई थी तो वो नॉन लग्जरी बस उन्होंने उसके लिए मुहैया कराई और वो गांव में लोगों ने, शहरों में लोगों ने उन बसों को चलाने से लोगों को रोका था क्योंकि इतना उसमें पॉल्यूशन होता था। तो लोगों ने कहा था कि ये मुफ्त की यात्रा हमारे लिए नुकसानदायक होगी। और भी तमाम वादे किए गए थे और जो वादे किए जाते हैं उसमें जब सरकार बनने के बाद जो तमाम शर्तें लगा दी जाती हैं कि इसको मिलेगा उसको मिलेगा, और हमने देखा कि घरों में लड़ाइयां तक हो गई कि घर की एक ही महिला को मिलेगा तो वो किसको मिले, वो जो उन्होंने वित्तीय राशि की बात कही थी, ये सब जो चीजें थी ना, ये आप देखिए कि ना तो समाज के लिए ठीक है ना ही अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, क्योंकि हम किसी को आराम तलबी की आदत लगाने के बजाय उसको काम करने के लिए प्रेरित करें, उसको देश के लिए कुछ योगदान देने के लिए प्रेरित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं और अब उन्होंने अपने जो अपने जैसा जिक्र किया कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने देश को एक बार फिर से जगाया है। और हमने अभी खासतौर पर हरियाणा में देखा था, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम प्रचार की कवरेज कर रहे थे तो लोगों के आजकल क्योंकि मोबाइल का दौर है, सब चीजें लोगों के पास तुरंत पहुंचती हैं, तो लोग इस बात से वाकिफ थे कि कैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं दे पा रही है, लोग इस बात से वाकिफ थे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की गारंटियां थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो लोग हैं इस बात से वाकिफ थे कि इन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही थी वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जुमले तो फेंक दिए जाते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन उनको पूरा कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है, राज्य का जो खजाना होता है वो सिर्फ सौगातें बांट देंगे। आप हमने देखा था कर्नाटक में सरकार बनी, इन्होंने शुरुआत में कुछ गारंटियां पूरी की, लेकिन एमएलए से कहा जा रहा था कि हमारे पास विकास के लिए फंड नहीं है, आप विकास की उम्मीद मत कीजिए। तो आपको अगर मान लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिल गई है लेकिन आपके घर के बाहर सड़क नहीं है तो उसका क्या मतलब है 200 यूनिट बिजली फ्री का? और आप ये जो सब्सिडी जो सबसे गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको जरूर मिलनी चाहिए लेकिन सबको नहीं मिलनी चाहिए। जो सक्षम है
जो बिल दे सकता है उससे बिल जरूर लिया जाना चाहिए। ये बात सही है कि जो हम तमाम तरह के जो कर उपकर लगा दिए जाते हैं जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर या निम्न आय वर्ग पर जो बोझ पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए, उसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। लेकिन ये जो फ्री की संस्कृति है, मुझे लगता है कि एक ये एपिसोड ऐसा हुआ है जो शायद अब फ्री का माल की जो संस्कृति है उसके प्रति देश के मन में भी ये भाव जगाएगा कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। और गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम ये कर देंगे फ्री, वो कर देंगे फ्री, और वहां पर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली कि गुजरात राज्य की स्थापना के बाद से सबसे बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल करी। तो लोगों ने, गुजरात के लोगों ने फ्री की संस्कृति को खारिज किया, और ये जो संस्कृति है राज्य दर राज्य जिस तरह से खारिज कर रहे हैं, हरियाणा ने भी खारिज किया है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, हरियाणा में कांग्रेस ने दो दो घोषणा पत्र जारी किए, उन दोनों घोषणा पत्रों में तमाम फ्री के वादे थे। तो ये दिखाता है कि जब आप फ्री के वादे तो बीजेपी ने भी किए थे ना, फ्री के वादे तो बीजेपी ने भी किए थे, बीजेपी ने भी किए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर अगर हम एक विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि बीजेपी पहले पूरा आकलन करती है, हिसाब किताब लगाती है, तभी उसको कहा जाता है ना कि जब शुरू में कहा जाता था आपको जाना होगा कि तो बनियों की पार्टी है, हिसाब किताब लगाते हैं कि किसको कितना दे सकते हैं, उतना ही वादा करते हैं। अब इन्होंने वादा किया कि हम हरियाणा में 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। हमने देखा कि उड़ीसा में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 50,000 रुपए का एक कूपन, एक योजना नाम दिया उन्होंने, वो देंगे, वो उसकी शुरुआत हो गई है, वो दिए जा चुके हैं महिलाओं को वहां पर। तो इनके जो वादे हैं वो पूरे होते दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे लोगों को राहत देने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए, वो सब वादे पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब तौल तार के वादे किए गए थे, वो ऐसे ही हवा में वादे नहीं कर दिए गए थे। अगर हवा में वादे करने होते तो दिल्ली में बीजेपी सरकार 10 साल पहले बना चुकी होती। जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो 500 यूनिट फ्री का ऑफर देके, और हमने देखा था कि घोषणा पत्र जारी करते वक्त दिल्ली में भी नितिन गडकरी ने कहा था कि हम फ्री में कुछ नहीं देंगे, सबका एक जो मूल्य सबको चुकाना होता है वो हम भी चुकाते हैं, आप भी चुकाइए, जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसको यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। और आप देखिए कि कितने सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी आज अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। तमाम जो आयोगों की रिपोर्टें हैं वो दिखा रही हैं कि जो वित्तीय कुशासन है वो दिखा रहा है कि राज्य किस तरीके से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। और अगर हम भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं तो भारत विकसित तभी बनेगा जब सारे राज्य भी विकसित होंगे। कोई एक राज्य, कोई दो राज्य अगर पिछड़ रहे हैं तो भारत विकसित नहीं बन पाएगा, वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। तो सभी राज्यों को भी अपने अपने आप को मजबूत करना होगा, तभी देश मजबूत होगा। और ये जो एक आह्वान हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से, और मल्लिकार्जुन खड़गे एक मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और वो भी कह सकते हैं हम कि भारत की राजनीति को समझते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की जो तमाम पहलू है उनको समझते हैं। तो उनका जो बयान, रेल मंत्रालय से भूमिका निभा चुके हैं, बड़े मंत्री रहे हैं जी, बड़े मंत्री, तो वो उनको उनको सब चीजों की समझ है, इसलिए, और वो उस उम्र के दौर में, उस दौर में भी है जहां पर वो एक अच्छी सलाह देते हैं। तो उन्होंने अगर ये सलाह दी है कि आप वही वादे करिए जो पूरे कर सकते हैं, ये स्वागत योग्य है, और एक कह सकते हैं कि ये एक अभिभावक की ऐसी सलाह दे सकता है, तो बड़ी अच्छी सलाह दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन इसका एक नुकसान कांग्रेस को महाराष्ट्र में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस वहां भी जो घोषणा पत्र लाएगी, झारखंड में जो घोषणा पत्र लाएगी उसमें भी तमाम वादे होंगे। तो ये जो एक सिलसिला चला है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाती है। जो आप वादे कर रहे हैं, आपने ना राजस्थान में अपनी सरकार रहते पूरे किए, ना मध्य प्रदेश में पूरे किए, ना छत्तीसगढ़ में पूरे किए, ना हिमाचल में पूरे किए, और ना ही आप कर्नाटक में पूरे कर पा रहे हैं। कर्नाटक में तो आपकी हालत खराब हो गई है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस जो एक जमाने में अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को जब हम आजाद हुए थे तब से लेकर एक बहुत आगे बढ़ाया देश को, क्योंकि उस समय तमाम दिग्गज थे, अनुभवी नेता थे। लेकिन आज आप देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस में सिर्फ वीडियो बनाने की राजनीति हो रही है। कभी राहुल गांधी कुम्हार के पास होते हैं, कभी वो बढ़ई के पास होते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के पास होते हैं। तो मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूँ, उसका एक वीडियो बनाकर मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूँ, वो इतना वायरल होता है, ये होता है, होता है। तो वो ही राजनीति हो रही है। और किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से जो देश की सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसमें मुझे अपना योगदान देना है, उसमें कतई कोई योगदान नहीं है कांग्रेस पार्टी का। तो ये मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जो दिया है
स्वागत योग्य है, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है महाराष्ट्र और झारखंड में। बिल्कुल सर, क्योंकि दीपावली था, लेकिन ये बात भी सही है कि एक और जम्मू कश्मीर में हमने देखा आतंकवादी घटनाएं हुई है, कुछ आतंकवादियों को मारे भी गए हैं, कुछ आतंकवादी को पकड़े जाने की भी सूचना है। इसके अलावा जो वहां प्रवासी काम कर रहे थे उन पर भी अटैक हुआ है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसके पीछे हो सकता है, इस बार वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं उमर अब्दुल्ला का जो नया नेतृत्व वाला सरकार है उसको अस्थिर करने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियां तो नहीं कर रही है। और शरद पवार जैसे नेता और कांग्रेस के तमाम नेता इसके बचाव में खड़े हैं, तो फारूक अब्दुल्ला का ये बयान और भाजपा जिस तरीके से हमलावर है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब फारूक अब्दुल्ला का जो असली रूप है वो सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और उनके गठबंधन को पाकिस्तान ने चुनाव में समर्थन क्यों दिया था? वो समर्थन इसलिए दिया था कि ये आतंकवादियों के बचाव में खड़े होंगे। वो समर्थन इसलिए दिया था कि आतंकवादियों पर जब सुरक्षा बल गोली चलाएंगे तो ये उसके बीच में खड़े होकर उनको बचाएंगे। ये समर्थन इसलिए दिया था कि सीमा पार से अगर आतंकवादी आएंगे तो ये उनको घुसपैठ कराने में मदद करेंगे। ये समर्थन इसलिए दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकवादी आएंगे तो ये उनको प्रश्रय देंगे। ये समर्थन इसलिए दिया था कि जो स्लीपर सेल है उसको ये पनपने में वहां मदद करेंगे। आप देखिए कि जिस तरीके से नई सरकार बनते के साथ ही वहां पर आतंकवादी हमले बढ़े हैं, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को। और ये आप वो दौर याद कीजिए कि उस समय भी इनकी सरकार के दौरान ही जो कश्मीरी हिंदू थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको खदेड़ा गया था वहां से हर गैर कश्मीरी को खदेड़ा गया था। और आज फिर वही दोहराया जा रहा है, तो क्यों ना हम माने कि ये जो उमर अब्दुल्ला के आते ही वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही आतंकवादियों के स्लीपर सेलों के जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ गया है कि अब हमारी सरकार बन गई है, अब पाकिस्तान के ने जिसको समर्थन दिया था उसकी सरकार बन गई है। तो ये जो उमर फारूक अब्दुल्ला आप कह रहे हैं, एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि वो होश में नहीं हो तो उन्होंने इस तरीके से बयान दे दिया हो। अभी वो होश में है तो उनका असली रूप अब सामने आया है, लेकिन हमारे को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, किसी भी आतंकवादी के, किसी भी आतंकी आका के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी दिवाली पर भी कहा है कि आतंकवादियों के आकाओं को ये स्पष्ट पता चल चुका है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये पाकिस्तान से निपटना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, चुनौती हमारे लिए ये है कि हमारे जो अंदर में ही कुछ हमारे ही जो राजनीतिक दल हैं, हमारे ही जो चुने हुए कुछ नेता हैं, वो जब पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, वो जब आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, तो घरेलू स्तर पर हमारे लिए चुनौती खड़ी होती है कि हम इनको जवाब दें कि उनको जवाब दें। और ये एक बात समझनी होगी, फारूक अब्दुल्ला हूं, अमर अब्दुल्ला हूं, कि कश्मीर की जनता अब एक विकास की जो आहट हुई है कश्मीर में उसको महसूस कर चुकी है। कश्मीर की जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, और कश्मीर पिछड़ा हुआ था, अब कश्मीर आगे बढ़ चला है, तो कश्मीर की जनता भी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहती है। और उन्होंने देख लिया है पिछले 5 साल में कि किस तरीके से मुख्य धारा का जो जीवन होता है उसका आनंद क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस आनंद में, अपने राज्य के विकास में इस तरीके के लोगों को वापस जगह देने के लिए वो आगे आएगी। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी की सरकार के दौरान ये जो एक नरम पॉलिसी रखते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, जनता ही इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी और कश्मीर को आतंकियों से, आतंकियों के अकाउंट से और आतंक के समर्थक नेताओं से भरपूर तरीके से बचाएंगे। बिल्कुल, तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह हमारी फिर मुलाकात होगी और तब हम झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर काफी बातें करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।